हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो कि इंडिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, उसमें वो कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न देने की क्षमता रखती है, अगले 15 मिनट में दोस्तों हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि क्या वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है या फिर वो JBM ऑटो है या कोई और कंपनी है जो कि आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने में अगले वर्षों में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। लेकिन लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है अगर आप सचमुच में सीरियस हैं प्रॉफिट कमाने के लिए और इंडस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान सिर्फ नुकसान करा सकता है। सो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। सीधा स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स और जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस वाली इंडस्ट्री में सबसे प्रॉफिटेबल दमदार शेयर कौन सा है। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों सीधे आपकी स्क्रीन पर अगर हम चले हैं और यहां देखें तो ये वो इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें कॉम्पिटिटर प्लेयर्स कौन कौन से हैं, देखिए सबसे बड़ा तो इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है ही। बाकी इन्होंने इंडस्ट्री में कंपैरिजन में टाटा मोटर्स वगैरह दे रखा है, बट आई एम नॉट एग्रींग विद देम, क्योंकि टाटा मोटर्स बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री है, इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते। उसके बजाय दोस्तों मैंने आपके लिए कंपैरिजन ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है। तो हम इस इंडस्ट्री की दो जो सबसे प्रोमिनेंट कंपनीज है उनको अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और दूसरी कंपनी है JBM ऑटो। अब हम पहले तो ये जाने कि इन दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप ओलेक्ट्रा की बात करेंगे तो वो बनाती है आपके बसेस, जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है वो मेजरली ये 9 मीटर में 12 मीटर में इस तरह से अलग अलग लेंथ के हिसाब से बसेस बनाती है। वहीं अगर हम JBM ऑटो की बात करें तो दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि जो सपोर्टिंग सिस्टम है इलेक्ट्रिक बसेस का वो प्रिपेयर करती है, और उसमें आपका जो इसके टूल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं बसेस के, वो सारी चीज़ें, प्लस जो चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क डेवलप करना है वो भी साथ में करती है। तो इसकी जो रीच है वो वाइड है, और इसकी रीच जो है वो आप कहेंगे कि वर्टिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या कंपेरिजन हो सकता है। करंट पहले मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से करीब करीब डबल है JBM ऑटो लिमिटेड, और करंट प्राइस की बात करें तो लगभग लगभग दोनों की प्राइस सेम है। हाई और लोज की बात करें तो दोस्तों जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस हुआ है कि वो 3000 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने वाले हैं और जो टॉप सिटीज है उसमें चलाने वाले हैं, और आने वाले टाइम पर यही फोकस रहने की भी उम्मीद साफ तौर पे है, तो साफ है कि ये दोनों स्टॉक्स या इस इंडस्ट्री के कोई और भी स्टॉक्स हमेशा टॉप पर ही ट्रेंड करेंगे। तो आप ये देखिए बड़ी तेजी से रनअप दिखाया है इन्होंने कि ये पूरे साल भर का 1465 रुपये पे था और अभी ये 1200 रुपये के आसपास चल रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये खरीदने लायक है या नहीं है इस टाइम। यहाँ देखें JBM ऑटो भी वही है, अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है। और प्राइस की अगर बात करें, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग ये 148 है और 140 है। दोस्तों दोनों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, मेरे को इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर देख रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पी रेशियो को समझने के लिए आप ये देखिए कि जब कंपनी की प्राइस तो बढ़ रही हो और अर्निंग भी बढ़ रही हो, लेकिन अर्निंग से ज्यादा अगर प्राइस तेजी से बढ़ गई है तो पी रेशियो ज्यादा हो जाता है। मतलब लोगों का जो उत्साह है ना, उसकी वजह से लोग बहुत तेजी से बाय कर लेते हैं। बाकी के नंबर्स हम देखते हैं और पता करते हैं कि क्या ऐसा करना सही है। तो अगर हम देखें इसमें कि बुक वैल्यू जो है उसके मुकाबले में प्राइस कितनी है, वो तो बुक वैल्यू 102 रुपये है, इसकी 87 रुपीज़ है। डिविडेंड दोनों ही कंपनीज दे रही है, ये 0.03 दे रही है, 0.09 जो है इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इन्होंने 13% का रिटर्न दिया है, इन्होंने 11.8% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा अच्छा देने वाली हो गई ये, जबकि रिटर्न ऑन एक्विटी वो ज़्यादा अच्छा दे रही है JBM ऑटो। अब इन दोनों का डिफरेंस समझिए दोस्तों,
एक हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? तो दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी है रिटर्न ऑन इक्विटी पे नज़र रखना, क्योंकि हम हैं शेयर होल्डर्स। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो हम उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं, तो हम इक्विटी खरीदते हैं, तो इक्विटी पर रिटर्न कितना दे रहे हैं ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बेटर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है JBM ऑटो से। फेस वैल्यू 4 रुपये है, 2 रुपये है, तो इन्होंने स्प्लिट वगैरह करने की थोड़ा स्कोप अभी है। सेल्स ग्रोथ देखोगे दोस्तों तो सेल्स ग्रोथ 5 साल में सबसे तेज ओलेक्ट्रा की बढ़ी है, जबकि इससे JBM बहुत स्लो है, पीछे है। प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो ओलेक्ट्रा को नंबर पूरे मिलते हैं, क्योंकि इसने 49% ग्रोथ दिखाई है, जबकि JBM ऑटो ओवरऑल कंपनी थोड़ी स्लो है और प्रॉफिट के ग्रोथ में भी थोड़ी सी पीछे है। हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू तो दोनों लगभग बराबर सी है, लेकिन थोड़ी सी आपकी ओलेक्ट्रा ये JBM थोड़ी सी हल्की सी महंगी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी ये नोटेबल डिफरेंस है। वहीं पर अगर आप देखें तो एक ओलेक्ट्रा के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, वो ये है कि इसके पास डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है, यानी जो कुछ किया अपने दम पे किया, कहीं से लोन ले करके और अपना फंडिंग करके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं पर 1.65 का जो JBM का ये आपका इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हम मानते हैं कंफर्टेबल कुशन होता है 1.5 के आसपास में। अगर डेट टू इक्विटी 1.5 के नीचे रहता है तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है, 100 रुपये की इक्विटी है, 150 रुपये का डेट है, मैनेज कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। डेट देखें तो इसके पास एक 100 करोड़ के आसपास ही है और यहाँ पर 1700 करोड़ के आसपास है, तो ज़्यादा है। दोनों में ही प्रमोटर होल्डिंग कंट्रोल वाली है, दोनों के पास में है, क्लियर है। प्लेजिंग इन्होंने की नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम और नंबर्स पे नज़र डालें दोस्तों तो एंटरप्राइज वैल्यू हम देखें तो दोनों में से एंटरप्राइज वैल्यू दोस्तों JBM ऑटो की ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा सपोर्टिंग सिस्टम बना रही है, जबकि ये सिर्फ बसेस पे फोकस कर रही है। और वैसे भी इनका जो टाई अप है वो दोस्तों चाइना की एक कंपनी है BYD, जिसका नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये कंपनी बैटरी प्रोवाइड करती है और उसके कंपोनेंट्स देती है, तो मोस्टली वहाँ से इनके पास पार्ट्स और बैटरीज वगैरह आती है और वो असेंबल करते हैं, देन इनकी बसेस बनती है उस हिसाब से, जबकि इनके पास में ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स मौजूद हैं। आगे देखें तो ग्राहम नंबर 137 है, 146 है, इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं। अब हम सीधे सीधे चलते हैं प्रॉफिट सेल्स इस पर, तो आप देखेंगे तो सेल्स जो है वो ओलेक्ट्रा की बढ़ती जा रही है, साफ तौर पे ग्रोथ नज़र आ रही है। JBM ऑटो की सेल्स भी अच्छी बढ़ती जा रही है, इसमें भी ग्रोथ है। और देखो एक सीजनालिटी भी आप देख सकते हो कि दोनों ही केसेस में कुछ पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा स्लो डाउन साफ तौर पे दिखा है। जैसे आप ये देखें कि कहीं पर उल्टा भी हुआ है कि यहाँ जून से 22 से सेप्टेम्बर में इसकी सेल डाउन हुई है ओलेक्ट्रा की, जबकि इसी दौरान JBM की सेल ऊपर हुई है। इसकी वजह यह भी हो सकती है दोस्तों कि पर्टिकुलर टाइम पर कोई ऑर्डर मिला हो जिसकी वजह से JBM को ज़्यादा फायदा होता हो, तो इनको सीजनल कहते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में आपको साइक्लिकल कंपनीज में या ऐसा जब भी बिजनेस साइकिल मूव होता है तो आपको एनुअल रिपोर्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, एनुअल रिटर्न्स पे एज कम्पेयर टू क्वार्टरली रिटर्न्स पे। क्वार्टरली रिटर्न्स पे अधिकतर जो आपके सीमेंट स्टील इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस रहता है। अभी हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो एनुअल है, यानी सालाना, तो आप देखो यहाँ आपको बेटर पिक्चर दिखेगी कि इनकी जो सेल है वो इस तरह से सेल्स इस तरह से ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और JBM ऑटो की सेल्स इनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है। तो दोस्तों साफ तौर पे आप देख सकते हो कि ओलेक्ट्रा का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है यहाँ पर, हालांकि इन्होंने फिर से इसको बढ़ाया है। और JBM का जो है वो भी लगभग उसी रेंज में चल रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ एक पिक्चर कहनी थोड़ी सी क्लियर करनी मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही हो और भगवान राम पता नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा बाली है कौन सा सुग्रीव है। तो दोनों की करीब करीब एक सी ही परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई 1-2% ज़्यादा हो गई फिर 1-2% कम हो गई। ऐसे केसेस में आपको बाकी फैक्टर्स को भी देखना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा तो मटेरियल कॉस्ट वगैरह देख लें, ये सारी चीज़ें तो देखिए एक ही रेंज में चल रही है। और डिविडेंड को आप देख लें, डिविडेंड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यहाँ क्लियर विनर है दोस्तों कौन, ये है JBM ऑटो। क्योंकि काफ़ी टाइम से कंपनी जब होती है तो उसके पास प्रॉफिट को मैनेज करके डिविडेंड देने की क्षमता होती है, और दोस्तों डिविडेंड देना इज़ अ गुड साइन, तो कंपनी
JBM ऑटो इज मच बेटर इन दैट केस, पर इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं ये डिविडेंड वो वेदांता की जैसे तो नहीं है कि कहीं से बैंक का लोन लेकर के डिविडेंड दिए जा रहे हैं और 68% खुद ही होल्डिंग रख के बैठे हैं, तो डिविडेंड घूम फिर करके खुद के पास आ रहा है। तो कम से कम इन कंपनीज में अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे जानकारी में नहीं है, सो कंपैरेटिवली बेटर है। सो आगे हम चलें, पर एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेटर्स डेट डेज है वो भी लगभग दोनों के एक से ही हैं, और इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आप देखें तो ये देखो इन्वेंट्री टर्नओवर में दोस्तों जो मार्च 2012 है उससे और अभी तक इनका ये नीचे तक कंसिस्टेंटली कम हुआ था, यानी ये जल्दी जल्दी बसेस बेच रहे थे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा टाइम इनको लगा है और मार्च 22 में इनका टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। बट अगर दोनों को कंपेयर करो तो इस हिसाब से JBM ऑटो का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अब हम इनके चार्ट्स पे बात करते हैं और उससे पहले थोड़ी सी नज़र डालते हैं दोस्तों रेटिंग्स की। तो रेटिंग्स पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है उसको अभी 10 अप्रैल को जब रेटिंग एजेंसी इकरा ने इसको रिपोर्ट किया है तो ओवरऑल इन्होंने कहा है कि इन्होंने रीअफर्म किया है A- ग्रेड, जो कि स्टेबल है, यानी कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर है, बहुत क्लीन नहीं है बट A- इज नॉट बैड, ये फिर भी ठीक है, ये लोग तो बी और सी में चले जाते हैं। अब हम एक बार ज़रा JBM ऑटो जो है उसकी भी हम यहाँ पर रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो क्रिसिल है उसने इसको JBM ऑटो को जब रेट किया है वो कब किया है, ये अगस्त 22 में, यानी साल भर पुरानी रेटिंग है, तो इसको ज़्यादा हम कंसिडर कर नहीं सकते, बट स्टिल ये कह रही हैं कि ए और स्टेबल है, यानी कि दोनों ही केसेस में चाहे वो ओलेक्ट्रा हो चाहे JBM हो, दोनों ही केसेस में रेटिंग्स ए और ए माइनस के आसपास में है और वो एक तरह से दोनों कंपनीज की एक सी कंडीशन को शो करती है। अब यहाँ हम देखें तो एक JBM जो है उसका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इनके पास ना तीन बिजनेस डिविजन्स हैं, और तीन बिजनेस डिविजन्स कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ई बसेस में ही काम नहीं करती हैं बल्कि दूसरे इनके जो सेगमेंट है वहाँ से भी इनको पैसा आता है, और वो कौन सा है, पहला है दोस्तों ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम्स, यानी कि ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपनी जो बसेस का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो बनाती हैं, और साथ में इनके जो कस्टमर्स हैं, यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि JBM ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसके कस्टमर्स बाकी की जो नॉर्मल कार बसेस वाली इंडस्ट्री है वो भी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जबकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसेस में ही है, तो उसका एक नीश है, उसका एक खास मार्केट है, जबकि JBM के पास अलग अलग मार्केट्स को कैटर करने का सॉल्यूशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अशोक लेलैंड को भी अपने पार्ट्स बेचती हैं, डेमलर को भी बेचती है, आईसुजु हो गई आपकी, टाटा मोटर्स हो गई, होंडा है, SML है, फोर्स है, इन और सारी टोयोटा है, निसान है, रिनो है, इन सब को ये अपने एक ऑटो कंपोनेंट सेल करती है, पहली चीज़ है। दूसरा इनका जो डिवीजन है वो है दोस्तों टूल रूम डिवीजन, और इसमें ये इंडिया की टूलिंग बिजनेस पर टूल्स बनाती है। ये किस तरीके के टूल्स, जैसे ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये एक जो कार का जो केबिन होता है वो है, कार का जो स्ट्रक्चर होता है ना जिसके अंदर सारे कंपोनेंट लगते हैं तो वो केबिन ये बनाती हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स बनाती हैं, तो इनके पास में टूल्स हैं, इनके पास में पार्ट्स हैं, और ये मेक इन इंडिया मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। तो अगर ये डेमलर को भेज रही है तो इंडिया में बना रही है और बाहर भेज रही है, टोयोटा को भी भेज रही है। माइलस्टोन्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने थर्ड जो बिजनेस है वो है OEM डिवीजन, तो इसमें इन्होंने काफ़ी ये माइलस्टोन्स की 50 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने किलोमीटर्स ई किलोमीटर्स कवर किए हैं। तो अब जो तीसरा जो पोर्टफोलियो है वो है बसेस का, तो पहला क्या हुआ आपका कंपोनेंट का हुआ, फिर आपके टूल्स का हुआ, और अब बसेस का। तो ये बसेस में देखिए इन्होंने 2016 से बसेस पे काम करना शुरू किया है, और ये इनकी अलग अलग बसेस हैं, और अगर आप देख सकते हैं ये 12 मीटर की ईवी बस चलाती है, इनके पास अलग अलग साइजेस की अलग अलग बसेस आप देख सकते हैं, और ये कब क्या इन्होंने अचीव किया वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें, ऐसे दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, ये इनका दोस्तों है चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं तो कंपनी चार्जिंग स्टेशंस, तो 500 प्लस इलेक्ट्रिक बसेस है इनके पास में, और 116 DC फास्ट चार्जर्स इन्होंने इंस्टॉल कर लिए हैं, और
ये OEM जो O&M कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है वो 10 साल का है, और इसी तरह से ये इको फ्यूल जो कहते हैं उस सारी चीज़ पर काम कर रही है। कहाँ कहाँ है इनके? नवी मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, इस जगह पर इनके चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, और गवर्नमेंट जैसा हेल्प कर रही है तो ये पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और हम चलते हैं सीधा यहाँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है, अब हम इसका बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं। यहाँ देखिए इनके पास में सिर्फ और सिर्फ बसेस हैं, लेकिन ये बसेस के राजा हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है जी, 1188 बसेस ये ऑलरेडी इंडियन रोड्स पे चल रही है, और अब और चलने वाली है। जहाँ पर JBM ने 500 बसेस का आपको फिगर दिया था, वहाँ ओलेक्ट्रा सिर्फ और सिर्फ बसेस में डील कर रही है, और इनका बसेस का पोर्टफोलियो है 7 मीटर की बसेस, 200 छोटी बसेस जैसे आपके टेम्पो ट्रेवलर टाइप की बसेस होती हैं, उससे लंबी जो बसेस हैं वो 9 मीटर की हैं, फिर 12 मीटर की बसेस हैं जो आपकी बड़ी स्कूल बस टाइप की होती है, प्लस ये लोग जो ट्रक वगैरह और ये सारे भी लेकर के आ रही है जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है। रेंज देख सकते हैं 150 किलोमीटर छोटी बस के, और सबसे बड़ी बस जो है वो 300 किलोमीटर के आसपास कवर करती है। सो दोस्तों ये तो थे इनका बिजनेस का ओवरव्यू, अब हम चल करके देखते हैं इनके टेक्निकल्स की और बाकी सारी चीज़ों की क्या सिचुएशन है वो। तो हम टेक्निकल्स पे आ गए हैं, आपके स्क्रीन पर आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि ये कंपनीज के शेयर्स का मूवमेंट है दोस्तों। ओलेक्ट्रा आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं कि कब से ग्रो कर रही है दोस्तों, ये 2023 के फरवरी से कंपनी ने एक अप ट्रेंड पकड़ा है, और यहाँ पर एकदम सिग्निफिकेंट जंप इनको मिला है। क्यों? क्योंकि लंबी सी ग्रीन आप कैंडल देख रहे हैं तो ये, और विद लॉट ऑफ वॉल्यूम, तो इससे साफ पता पड़ता है कि कंपनी एक अप ट्रेंड में है। हायर हाइज बन रहे हैं लगातार और हायर लोज भी बन रहे हैं, जो कि आपको एक प्राइस चैनल बना करके देते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है, पर आपको क्या इस अप ट्रेंड को अभी बाय करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी जानना चाहते हैं। दोस्तों इस प्राइस चैनल में ये अभी प्राइस इस ऊपर वाले सेगमेंट को टच किया है इसने, यानी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर, और यहां से क्योंकि थोड़ी तेजी से रनअप कर गई, आप देख रहे हैं लगातार ग्रीन कैंडल से, तो अब यहां से इसके नीचे आने का चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जब ये नीचे आती है तो आप बाई ऑन डिप्स वाला एक फॉर्मूला जरूर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक कि करीब करीब आप मान के चलिए 1050 या 1100 रुपए के प्राइस पर अगर ये सस्टेन कर जाती है तो प्राइस हो सकता है 800 रुपए तक शिफ्ट कर जाए इसकी, और अदरवाइज अगर ये यहाँ से बाउंस होती है और अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ गई तो दोस्तों इसको इसमें आपको 1500 रुपए के जो मीडियम टर्म है उसमें आपको प्राइस लेवल आराम से देखने को मिलने की पूरी संभावना है। वहीं पर अगर हम देखें JBM की, तो JBM कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, ये भी अप ट्रेंड में है, बट इसकी ग्रोथ जो है वो दोस्तों स्मूथ है, यानी ये कंसिस्टेंटली एक ही रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, जबकि ये पहले वाली ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ती है फिर ब्रेक लगाती है, फिर तेज रफ्तार पकड़ती है फिर ब्रेक लगाती है। तो कहने का मतलब है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों JBM ऑटो जो है वो आपको एक स्टेबल रिटर्न देने की सिचुएशन दिखाती है, जबकि फास्ट मूविंग के हिसाब से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपको एक तरह से बेटर पोजीशन में नजर आती है। चॉइस आपकी है, लेकिन वीडियो में आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों में से कितना किसमें कितना दम है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों इनकी शेयर होल्डिंग की। तो एक चीज मैं आपको और कहूंगा दोस्तों बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर मैं शामिल करता हूं तो वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप इसको 1.5x या 2x की स्पीड से मेरी वीडियो को देख लीजिए, एक की बजाय शायद दो बार देखना पड़े आपको, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा उससे। मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे कहोगे 5 मिनट का वीडियो बना दो तो दोस्तों 5 मिनट में आप खुद समझ सकते हैं जिंदगी भर की मेहनत की कमाई आप 5 मिनट की बात सुन के लगाएंगे, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि कितनी रिसर्च उसमें शेयर हो सकती है। लेकिन सचमुच में देखना है, पैसे से आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा मेहनत करके कंटेंट को थोड़ा अच्छे से देखना होगा। और हाँ, अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो दोस्तों ये एक बड़ी गलती कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचेंगे मैं लाइव पोर्टफोलियो रिव्यू आपका इस पे यूट्यूब पे करना शुरू करूंगा। और एक चीज़ और है, अभी भी अगर आप एक
पोर्टफोलियो रिव्यू फ्री में करवाना चाहते हैं, जिसकी दोस्तों करीब 11,000 रुपये प्राइस होती है, बट वो आपके लिए फ्री में करने का एक मौका है। आपको कमेंट सेक्शन में जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ क्लिक करिएगा और आपका जो अभी स्क्रीनशॉट है पोर्टफोलियो का वो सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप लकी हुए और आप हफ्ते में 3 लोग ऐसा लकी विनर्स होंगे जिनके जो कि जिनका फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाएगा, अगर आप उसमें लकी रहते हैं और आप जीतते हैं तो दोस्तों आपको 11,000 रुपये की सर्विस का 1 रुपया भी नहीं देना है और आपको बेस्ट गाइडेंस हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से ज़रूर मिल जाएगी और आपका नाम भी अनाउंस होगा आने वाली वीडियोज़ में। चलिए अब हम ग्रीन टेक ओलेक्ट्रा का एक छोटा सा एक हिस्सा और देख लेते हैं, उसको मतलब इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग देख सकते हैं साफ तौर पे कि प्रमोटर्स ने जो मैं ये जो कंपनी जो मैंने ले रखी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसमें फॉरेनर्स जो है उन्होंने 8% के आसपास लगा रखा है पैसा। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का अभी तक कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डायल्यूट करिए, देखिए फॉरेनर्स ने थोड़ा सा अपना पैसा इसमें से निकाला है। वहीं पर JBM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत कम पैसा लगाया है, FIIs जो है वो पैसा बढ़ा रहे हैं, हालांकि उससे कम है ओलेक्ट्रा से, बट यहाँ इनकी होल्डिंग बढ़ रही है। सो इस हिसाब से फॉरेनर्स को JBM जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आ रही है। सो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन इंडस्ट्री का, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव हैं, फीडबैक है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए उन सब पे सीरियसली काम करूंगा, करता आया हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेटर कंटेंट आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन ऑन करिए और मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।